हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तत्काल टिकट कैसे बुक किया जाता है ट्रेन का। जैसे कि गाइज, कहीं आप सफर करना चाहते हैं और आपको तत्काल में टिकट चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल टिकट होता है जो कि हम कुछ दिन पहले निकलाते हैं, नॉर्मल टिकट एक दिन पहले या सेम डे भी निकलता है, बट टिकट अगर खाली है तब, अगर वेटिंग चला गया या फिर टिकट खत्म हो गया, तो वैसे में गाइज हमें तत्काल टिकट की आवश्यकता पड़ती है कहीं भी सफर करने के लिए। उसमें थोड़ा सा पेमेंट आपका ज्यादा लगता है, बट आपको एक तत्काल में अर्जेंट में कन्फर्म टिकट मिल जाता है। तत्काल टिकट बुक करने के लिए कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है, अपने डिटेल्स पहले से कैसे फिल करके रखेंगे, क्योंकि गाइस अगर आप तत्काल टिकट कभी बुक किए होंगे तो गाइस आपको पता होगा कि कुछ ही मिनट में टिकट खत्म हो जाता है। आपको जल्द से जल्द टिकट बुक करके निकलना पड़ता है, मतलब पेमेंट वगैरह जल्दी से कम्प्लीट करना पड़ता है। गाइस अगर आप चाहते हैं अपना नेम, अपना एज, अपना डिटेल्स पूरा पहले से फिल करके रखें और बस एक क्लिक करें, उसके बाद कैप्चा पेमेंट वगैरह करके जल्द से जल्द तत्काल टिकट बुक कर ले, आप सही वीडियो पे आ चुके। इस वीडियो में गाइज हम आपको तत्काल टिकट बुक करने का लेटेस्ट जो प्रोसेस है वो दिखाने वाले हैं। एंड गाइज इस वीडियो में हम आपको लाइव एक तत्काल टिकट बुक करके भी दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से जल्द तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं हमारे बताए हुए तरीकों से। ये तरीका मोबाइल फोन एंड लैपटॉप दोनों में काम करेगा, बट अभी जो गाइज हम बताने वाले लैपटॉप में बताने वाले, क्योंकि यहां से आपको चीजें समझने में आसानी होगी और गाइज सेम स्टेप फॉलो करके आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तभी जाके वीडियो को एंड में लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना IRCTC। जैसे आप IRCTC से सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट आ जाएगा। पहला में जो वेबसाइट दिख रहा है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। यहाँ 3 डॉट पे जाके आपको एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिलता है, तो आप डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। अब यहाँ आने के बाद गाइस आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि यहाँ पे पहले लॉगिन करना है। गाइस अगर आपका आईडी बना हुआ है IRCTC में तो आप लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको यहाँ रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख जाता है, तो आपको सिंपली कर देना है इस पे क्लिक। अब जैसे गाइस आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन इज डिसेबल्ड फ्रॉम 9:30 AM से लेके 11:30 AM तक आप यहाँ पे रजिस्टर फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बट अभी हमारा जो टाइम हो रहा है गाइज वो देख सकते हैं 10:26 हो रहा है। तो आईडी अपना क्रिएट करने के लिए आपको कोई डिटेल्स देना होगा, जैसे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम वगैरह, पूरा एड्रेस वगैरह फिल करना होगा और एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। तो आपको फर्स्ट टाइम किस प्रकार से यूजर और पासवर्ड बनाना है उसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के एंड में आप देख लीजिएगा आईडी किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, बट अभी जो टाइम है टिकट बुक करने का है, तो हम टिकट बुक करके दिखाएंगे कि आपको कैसे टिकट बुक किया जाता है। टिकट 11 बजे बुक होता है, तो अभी हम कुछ देर पहले आए क्योंकि अपने डिटेल्स वगैरह हम पहले से फिल करके रखे गाइस। उसके बाद टिकट बुक करने समय हमें नेम, एज वगैरह डालने का झंझट ना हो, मोबाइल नंबर इसे फिल ना करना हो। अगर आप एक टिकट बुक करना चाहते हैं या एक से अधिक भी, तो भी आप आसानी के साथ बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिटेल्स पहले से फिल रहेगा, तो ऐसे में आपको आसानी होगा, वन बाय वन फिल नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक आपका फिल दिखेगा। तो गाइस अभी हमारे पास आईडी बना हुआ है तो हम सिंपली यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन। जैसे आप लॉगिन के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे एंड आपको यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर जाना है। तो देख सकते हैं गाइस सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा यूजर आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जहां से भी टिकट करना है, जैसे कि गाइस आज की वीडियो में हम आपको पुणे टू हटिया यहां का टिकट बुक करके दिखाने वाले हैं, तो सबसे पहले देखना है कि आपको कल के डेट में बुक करना है, हमें तत्काल टिकट बुक करना है, तो कल का डेट हम कर दिया सेलेक्ट। अब गाइस सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, आपको यहां पे पहले जनरल पे ही रहने देना, अभी तत्काल हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहां पे हम कर देते हैं सर्च। अब सर्च करने के बाद आपका जो ट्रेन है आ जाएगा, नाम वगैरह आ जाएगा, किस किस डेट में है, यहां पे आप देख सकते हैं ये वीक में 2 बार है। तो यहां पे गाइस अभी हम करने वाले हैं स्लीपर। आपको अगर एसी का टिकट बुक करना है तो आपको 10 बजे से पहले बुक करना होगा, एसी का 10 बजे टाइमिंग है और स्लीपर का जो है वो 11 बजे है, तो अभी हम स्लीपर बुक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि पहले से खाली तो नहीं है टिकट, अगर खाली है तो आप नॉर्मल टिकट ले सकते हो, उसके लिए भी हमने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है आप नॉर्मल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम तत्काल टिकट बुक करने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड एसी भी खाली नहीं है, स्लीपर भी खाली नहीं है, तो अब इसका हम यहाँ पे करेंगे तत्काल। तो यहाँ आ जाता है तत्काल। अब तत्काल आपको सेलेक्ट करके गाइस मॉडिफाई सर्च पे क्लिक करना, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो भी
तत्काल टिकट जितना अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। बहुत से ट्रेन में तत्काल टिकट नहीं रहता है, तो आपको पहले ये चीज़ चेक कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हैं 132 सीट है, तो इसी 132 टिकट में हमें बुक करके अपना एक टिकट निकला लेना है। अब गाइस अब तो चेक हो गया, अब हमें टिकट बुक करने के लिए अपना डिटेल्स पहले कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो आपको जाना है यहाँ माय अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। अब जैसे यहाँ आएंगे तो आपको नीचे आना है माय प्रोफाइल के आइकन में। जैसे माय प्रोफाइल के आइकन में आएंगे तो आपको गाइस इधर लेफ्ट साइड में ऐड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली कर देना है इस पे क्लिक। अब जैसे गाइज आप इस पे करते हैं क्लिक, आपको नीचे के साइड में आना है। अब जैसे गाइज यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा एड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट में। तो सबसे पहले आपको नेम डालना है, जिस भी पैसेंजर का आप टिकट बुक करना चाहते हैं उसका सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। तो हम कर दिया नाम फिल। अब उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है गाइज उसके आधार कार्ड में वो यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम उनका ईयर सेलेक्ट, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, उसका जो डेट है जन्म डेट वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे के साइड में स्क्रोल करेंगे गाइज, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेल का टिकट कर रहे हैं मेल सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो फीमेल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बर्थ प्रिफरेंस सेलेक्ट करना है, जैसे कि गाइज लोअर मिडल अपर, अगर आपको बाय चॉइस लेना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। बट गाइज अगर टिकट का ज्यादा क्रेसिस है, उस ट्रेन में ज्यादा भीड़ वगैरह रहता है, तो आप नो चॉइस सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या कि आपका बर्थ प्रिफरेंस जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं शायद वो टिकट अवेलेबल ना हो, कम मात्रा में हो, तो आपको टिकट मिलने का चांसेस कम है क्योंकि आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया। अगर आपने साइड लोअर सेलेक्ट किया हुआ है तो अगर साइड लोअर ट्रेन में नहीं है बच्चा तो आपको नहीं मिलेगा। बट इस केस में होगा क्या कि अगर आप नो चॉइस करते हैं तो आपको कहीं भी अगर खाली मिलता है, जैसे कि अपर मिल जाता है लोअर मिल जाता है, तो आपको टिकट दे दिया जाएगा। तो ये चांस होता है, ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। और अगर ट्रेन में टिकट ज़्यादा है तो आपको कोई सा भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि गाइस इमरजेंसी में आपका सफर करना जरूरी, ना कि आपको सीट चाहिए अपने मन मुताबिक। उसके नीचे आता है कैटेगरी इन सर्विस ऑप्शन, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना क्या लेना चाहते हैं, जैसे कि वेज नॉन वेज फूड खाने के लिए। तो आप इसको यहाँ हम कर देते हैं टी एंड कॉफी, बस आप हम ट्रेन से और कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि रेलवे का खाना आपको पता ही होगा कैसा रहता है। तो आपको नीचे के साइड में थोड़ा सा अब स्क्रीन को करना है स्क्रॉल। अब नीचे के साइड में देख सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्क था, हमने फिल कर लिया, ये सब मैंडेटरी नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कर देना आपको यहाँ पे सबमिट। अब जैसे सबमिट करेंगे गाइस नीचे के साइड में देखें, यहाँ पे हमारा एक पैसेंजर का डिटेल्स ऐड हो गया। अब इसी प्रकार से गाइस आप अगर एक से अधिक पैसेंजर का सीट अगर बुक करना चाहते हैं, अगर आप एक पैसेंजर से ज्यादा कर तत्काल टिकट निकलाना चाहते हैं गाइस, तो आपको यहाँ पे उस दूसरे पैसेंजर का नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर वगैरह फिल करके आपको सबमिट कर देना, तो उसका भी मास्टर लिस्ट में ऐड हो जाएगा नाम वगैरह। ये सब आपको फिल नहीं करना होगा तत्काल टिकट बुक करते वक्त। अब ये हो गया पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, अब हमें वेट करना है गाइस। जैसा आपको यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है 10:34 हो रहा है, तो हम अगर मास्टर लिस्ट में ऐड करने का जो टाइमिंग होता है वो 10:55 से पहले पहले आपको मास्टर लिस्ट में ऐड कर लेना है, उसके बाद आप नहीं ऐड कर सकते गाइस, 5-10 मिनट पहले ही ऐड कर लेना है, ये चीज का ख्याल रखना है। अब उसके बाद गाइस आ जाते हैं हम होम पेज में। अब अभी हम कर देते हैं इसको लॉग आउट और आते हैं हम 10:55 में। हमें पता है थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट गाइस आपको इस वीडियो के बाद एक भी वीडियो तत्काल टिकट बुक करने के लिए नहीं देखना होगा। तो गाइस वापस से आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पे समय देख सकते हैं 10:56 हो चुका है, मतलब 57 हो गया। तो आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन में 55 में ही आ जाना है और आपको कर जाना है यहाँ पे लॉग इन। तो गाइस वापस से हो चुके हैं हम साइन इन, यहाँ पे देख सकते हैं 10:57:32 हो चुका है। तो गाइस आपको 55 में आ जाना है, 55 में भी आप लॉग इन कर सकते हैं, बट जो बेस्ट टाइम होता है वो 57 में करना है। बट अगर आप एक बार मिस करते हैं 57 में, तो उसके बाद 58-59 में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप 55-56 में ही ट्राई करें आईडी में लॉगिन हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब आपको अपना स्टेशन सर्च करना है, जैसे कि हम पुणे से हटिया का टिकट करने वाले हैं, तो हम कर दिए यहाँ पे सेलेक्ट, कल का डेट कर देते हैं सेलेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे कर देते हैं तत्काल कोटा सेलेक्ट। अब उसके बाद कर देते हैं हम यहाँ पे सर्च, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आ चुका है यहाँ पे ट्रेन। अब गाइज आपको इस बीच में क्या करना है, कौन कौन सा चीज ध्यान देना है आपको। तो गाइज आपको क्या करना है कि अपने, तो गाइज आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना है, जितना भी बैलेंस कटने वाला है उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपने वॉलेट में पैसा रखना है। आप पैसा किसी भी माध्यम से कटा सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का वॉलेट से, या फिर डेबिट कार्ड से भी कटा सकते हैं, बट सबसे जो बेस्ट होता है गाइज वो UPI होता है। आप स्कैनर से पेमेंट जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्कैनर से ही पेमेंट करने का प्रोसेस दिखाने वाले, क्योंकि वॉलेट वगैरह से क्या होता है कि कभी OTP नहीं जा रहा है, OTP फिल कर रहे हैं तो पेमेंट नहीं हो रहा,
ऐसा लोचा नहीं रखना, आपको QR कोड वाला सिस्टम बताएंगे, स्कैन कीजिए, पे कीजिए, तुरंत कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग होने वाला है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे करेंगे कि वेट, और टाइम से पहले आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना, आपको देखना है अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई बाइक में स्क्रीन तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टाइमिंग हो ही चला है। उसके बाद फ्रेंड जैसे यहाँ पे हमारा 10:59, आपको मोबाइल फोन या कंप्यूटर टाइमिंग नहीं देखना, आपको यहाँ IRCTC का जो टाइमिंग चलता है उसको ही देखना है। जैसे यहाँ पे 59 होगा, 58:59 होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना क्लिक। तो हम कर दिए यहाँ पे क्लिक गाइस। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, फिर से बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे गाइस आपने जो नेम लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं गाइस कि हमारा नेम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे जल्दी से कर देते हैं फिल। गाइस अगर आपको एक से अधिक करना है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। तो अभी हम कर देते हैं कट। अब आपको गाइस नीचे के साइड में आना, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह अगर आपको पहले से फिल है तो आप यहाँ पे रहने देंगे। अब नीचे के साइड में गाइस आपको यहाँ पे पेमेंट मोड में कर देना पे थ्रू भीम UPI, और आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको जरा सा भी टाइम नहीं लेना गाइस। थोड़ा सा सिस्टम स्लो रहने की वजह से नाम जो मास्टर लिस्ट में ऐड था वो नहीं आ पाया, बट आपका आ जाएगा। आप ट्राई करेंगे तो आपका नेम जो जितना भी मास्टर लिस्ट में ऐड था वो आ जाएगा। अब यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा प्लीज वेट में समय ले लेता है। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा छोटा करके एक आध बार रिफ्रेश करना है। आपको प्रॉपर नेटवर्क में रहना है गाइस, आपका घर में या फिर आपके ऑफिस दुकान जहाँ भी है, आपका जहाँ ज्यादा नेटवर्क पकड़ता है, अच्छा स्पीड रहता है, वहां से आपको टिकट करना है, या फिर वाईफाई लगाएं जहां से स्पीड आए। एक आध बार कर दिया रिफ्रेश, तो मेन टाइम जो है गाइस वो यहीं पे लेता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा करना है वेट। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है तो आपका यहाँ पे जल्द से जल्द टिकट होने का संभावना रहता है, बट हमारा सिस्टम उतना कोई खास नहीं है, बट फिर भी हम आपको टिकट लाइव बुक करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय ले लेता है, आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे कि देख सकते हैं गाइस कि अभी भी टिकट यहाँ पे बचा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि टिकट बचा हुआ है कि नहीं। अब आपको नीचे के साइड में आना है गाइस, यहाँ पे आपको कैप्चा दिख जाएगा, तो कैप्चा को जल्दी से फिल करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी, बट आपको गलत कैप्चा फिल नहीं करना है जल्दी के चक्कर में। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। अब गाइस आपको अपने मोबाइल फोन में जिस भी UPI से करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, उसको आप ओपन करके रखेंगे। ओपन करने के बाद उसका QR कोड यहाँ पे फिर से समय ले रहा है, तो थोड़ा सा एक बार हम और कंप्यूटर को करते हैं रिफ्रेश। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट मेथड आ गया। तो हम सबसे पहले बीच वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI है, इसको सेलेक्ट करके पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे। आपका फेयर इधर साइड में दिख जाएगा गाइस, आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइस आपको QR कोड को ओपन करना और यहाँ पे कर लेना है सर्च, और अपने फोन पे या गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी आपको अपना पेमेंट कर लेना है कंप्लीट। तो हमने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब गाइस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा भी कुछ नहीं करना अपने स्क्रीन को, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। योर ट्रांजेक्शन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज चेक बुक टिकट हिस्ट्री, ये बुकिंग कंफर्मेशन नोट्स ऑन। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपका टिकट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आपको करना है यहाँ पे स्किप। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली बुकड ए टिकट। यहाँ पे हमारा PNR नंबर दिख रहा है गाइस, यहाँ पे स्लीपर, एडल्ट, तत्काल देख सकते हैं। यहाँ पे वही टिकट है पुणे से हटिया, आज का डेट भी देख सकते हैं गाइस। अब आपको हम नीचे का साइड में दिखाते हैं, देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल्स है, कन्फर्म टिकट S7 में हमें 50 नंबर सीट मिल गया है। तो यहाँ पे हमारा करंट स्टेटस जो है वो कन्फर्म हो गया, हमारे टिकट यहाँ पे सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अब गाइस आपको टिकट को अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट टिकट का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पे करेंगे क्लिक, आपका टिकट कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। अब गाइस आपको कर लेना है इसको प्रिंट, या फिर आपको कर लेना है इसे सेव। चलिए गाइस अभी हम टिकट को नहीं करते प्रिंट, और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमें लॉग आउट कर चुका है। अगर आप कुछ ही मिनट में अगर टिकट को अगर प्रिंट कर लेते तो ठीक है, नहीं तो अभी टिकट का टाइमिंग चलता है, तो आप 11:30 बजे के बाद ही टिकट को आप प्रिंट कर पाएंगे या फिर वापस से निकला पाएंगे। तो गाइस वापस से टिकट को निकलाने के लिए आपको 11:30 बजे के बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन पे जाना है, बुकेट हिस्ट्री पे जाना है, बुकेट टिकट हिस्ट्री पे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपने जो टिकट बुक किया हुआ है वो टिकट आपके सामने आ जाएगा, वहां से आप बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस इस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से तत्काल टिकट आसानी के साथ बुक कर सकते हैं। तो देख लीजिए गाइस हमने आज आपको लाइव एक तत्काल टिकट बुक करके दिखा दिया। तो आशा करते हैं गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स, अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।